वेजिटेशंस मतलब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एन ग्रास इज सीन इन अवर सराउंडिंग हमें बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और अलग अलग तरीके के घास हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं सम ऑफ द वेजिटेशन आर थोर्नी वैल सम आर ब्यूटिफुल विथ फ्लावर्स अब कुछ उसमें प्लांट्स ऐसे होते कि जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं थोर्नी यानी कि कांटे होते रफ रफ होते हैं वो और कुछ ऐसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते है सम ट्रीज आर डेंस विथ लीव्स वाइल्ड सम आर शॉर्ट एंड विथ स्पेयर लीव्स अब कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं कि पूरे आ, आ, पत्तों से मतलब घिल जाते हैं मतलब इतने सारे पत्ते होते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ट्रीज और कुछ ऐसे शॉर्ट यानी कि छोटे होते हैं ट्रीज जिसके जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग बिखरे बिखरे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिफरेंट रीजन अब अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है वो अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलते हैं क्लाइमेट डिफरेंसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी अब जो क्लाइमेट यानी कि जो वेदर होता है जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग होता है यही रिस्पॉन्सिबल है विविधता के लिए वेजिटेशन इज डिवाइडेड इन द बेजिस ऑफ क्लाइमेट अब जो वेजिटेशन है वो किसकी तरह से डिवाइड होते हैं मतलब कि क्लाइमेट के बेसिस पे होते हैं परसिपिटेशन इज द मेन कॉज फॉर दिस डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर एस फॉलो फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देर इज मोर रेन फॉल अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलते है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस थिंक रेस कैन नॉट रीच द सर्फेस अब उस जंगल के जो ये झाड़ होते हैं, वो बहुत ही डेंस यानी कि बहुत सारे पत्ते होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो और इतने ज्यादा गीच होते हैं, इतने ज्यादा मोटे होते हैं कि जो सूरज की किरणें होती है वो भी सरफेस पे नहीं पहुंच पाती वेराइटी ऑफ ट्रीज क्रीपर्स एंड फंट्स आर सीन धेर अभी अलग अलग टाइप के ट्रीज क्रीपर यानी कि ट्रीज के आसपास एक छोटी सी वेल निकल के आती है ना जो पूरे ट्री को ऐसे गोल गोल घुमा के ऊपर चली जाती है तो वो उसे क्रीपर कहते हैं फंड यानी कि अलग अलग तरीके के पत्ते यहाँ पे देखने को मिलते हैं ओटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस अब जो ओटम सीजन है मतलब कि उसमें जब पत्ते झड़ते हैं तो वो पूरे फोरेस्ट को मतलब की सारे ट्रीज को अफेक्ट नहीं करते है बट अफेक्ट एट अ डिफरेंट टाइम इन ईयर सो द ट्री अपीयर लश ग्रीन मतलब कि इतना बड़ा जंगल होता है उसके पत्ते भी इतने घने घने होते हैं तो वो ओटम के टाइम पे सारे पत्ते नहीं गिर जाते थोड़े थोड़े टाइम पे गिरते हैं मतलब कि ये जो पेड़ होते हैं वो कभी पत्तों पत्तों से भरे हुए होते कभी खाली नहीं होते ओटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्रीज एट वंस बट द अफेक्ट एट द डिफर टाइम इन दर अपीयर लश ग्रीन बस वही ऊपर की लाइन रिपीट हुई है यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीप एंड अंदमान एंड निकोबार आईलैंड एंड इन समर्न ईस्ट इंडिया अब ऐसे टाइप के फॉरेस्ट है वो हमें वेस्टर्न घाट के स्लोप पे मिलते हैं अंदमान निकोबार आईलैंड में भी मिलते हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट साइड में भी मिलते हैं महोगनी रोजवुड एंड विकर एक्सेट्रा ट्रीज आर सीन हियर और ये तीन टाइप के ट्रीज हमें वहां देखने को मिलते हैं ट्रोपिकल डिसीडियोस फॉरेस्ट मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडिया लैंड इज ऑक्यूपाइड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट अब जो मेजोरिटी पार्ट है इंडिया का इंडिया लैंड का वो इस टाइप के फॉरेस्ट से घिरा हुआ है ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस जो ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट के वो इतने ज्यादा घने नहीं होते है दे शेड लीव ड्यूरिंग ऑटम सीजन और ऑटम सीजन आती है तब ये अपने पत्ते गिरा देते हैं सो दे आर नोन एज एन ओटम फॉरेस्ट इसी वजह से इसे ओटम फॉरेस्ट भी कहा जाता है ट्रीज लाइक साल बांबू महुड़ो नीम एक्सेट्रा आर सीन इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट और इस टाइप के फॉरेस्ट में ऐसे ट्रीज मिलते हैं ड्राई एंड अ स्क्रब फॉरेस्ट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजियन रिसीविंग लेस रेनफॉल अब ड्राइन और सब स्क्रब uh, फॉरेस्ट है वो ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहा पे बहुत कम बारिश होती है द ट्रीज आर थोर्नीयर क्योंकि इस पर कम बारिश होती है तो उसके जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी कांटा लू यानी कि रफ रफ होते है ट्रीज लाइक कैक्टस खेर पाम आ, अकेशिया जुजुबी एक्सेट्रा आर द मेन ट्रीज और ऐसे फॉरेस्ट में ये सारे टाइप के ट्रीज हमें मिलते हैं दिस फॉरेस्ट आर सीन इन राजस्थान हरियाणा एंड द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन गुजरात अब ऐसे टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हमें राजस्थान हरियाणा और जो वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है और गुजरात इन सारे जगहों पे हमें ऐसे टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेनियस रीजन जैसे कि इसका नाम है माउंटेन फॉरेस्ट है तो ऐसे टाइप के जो फॉरेस्ट है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं इन द माउंटेन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट डिफरेंट हाइट अब इस माउंटेन पे अलग अलग वेराइटी के प्लांट्स और अलग अलग जातियों के प्लांट्स उगते हैं अलग अलग हाइट पे मतलब कि कोई एक छोटा होता है तो दूसरा प्लांट है वो उससे बड़ा होता है तो हाइट का डिफरेंस रहता है वेजिटेशन ग्रोइंग एट द हाइट ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड मीटर टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मीटर फ्रॉम सी लेवल इज अ कॉनिकल इन शेप और इट्स लीव्स आर नीडल शेप अब जो वेजिटेशन है वो आ, जो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे उगते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं नुकीले होते हैं और इसका आ, नीडल, नीडल शेप यानी कि जो किल कैसी होती है तो किल के शेप के भी पत्ते होते हैं जो कि बहुत नुकीले होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट शेप दिस वेजिटेशन कॉल्ड कॉनिफरस वेजिटेशन और जो इसके शेप के अगर उसके शेप के बारे से हम मतलब कि इसके शेप से जो अगर हम देखें तो इस तरह के जो वेजिटेशन है उसे हम कॉनिफर वेजिटेशन भी कहेंगे ट्रीज लाइक चीड डिओडर पाइन एक्सेट्रा आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन अब जो पेड़ है जैसे कि चीड डिओडर पाइन वो है इस टाइप के वेजिटेशन पे आते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन अ जो मैनग्रोव फॉरस्ट है वो ऐसी खारा पानी नदी का या फिर समुद्र का खारा पानी हो उस जगह पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते है दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन वेस्ट बेंगाल गुजरात एंड ऑन द शोर ऑफ अंदमान एंड निकोबार आईलैंड अब इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल में गुजरात में और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो शोर है जो किनारा है समुद्री वहां पे मिलते हैं सुंदरवन वन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट अब सुंदरवन है जो गंगा डेल्टा रीजन में तो वहां पे ऐसे टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम सुंदरी और जो सुंदरवन जो फॉरेस्ट है उसका नाम सुंदरी नाम के पेड़ से उतर आया है मतलब कि सुंदरी नाम का पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़्यादा उगते हैं इसी वजह से उस उस फॉरेस्ट को सुंदरी वन नाम दिया गया है चेयर ट्रीज आर सीन इन फॉरेस्ट अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात अब गुजरात का जो समुद्री इलाका है वहां पे चेयर ट्री भी पाए जाते हैं विच इज यूज एज अ फ्यूल बाय द लोकल पीपल अब जो लोकल पीपल है आजू बाजू के क्षेत्र के गांव के लोग होते हैं उसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं किसको तो चेयर ट्री को